और यहाँ पर फिनिश ऑफ भी करेंगे एंड साथ ही साथ अपने आपको हील अप भी करते नजर आएंगे। इनिशिएशन बहुत काफी शानदार था, लेकिन ये बात गाइस अगर आप फ्लैंक कर सकते हैं तो बिल्कुल ये लोग भी गाइस कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लैंकिंग देखिए, यहाँ पर सेम वही चीज हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पावर को एक कवर जरूर मिल जाएगा। देखिए गाइस, रिस्क की चीज रहती है, अगर आप फ्लैंकिंग कर रहे हैं तो आपको एक फायदा मिलेगा तो दुगना फायदा मिलेगा, लेकिन नुकसान भी रहता है उस चीज में, तो ये चीज का रीजन था। अभी के लिए क्लच गॉड की बात करें, ओजी से तो भाई बिल्कुल भी मैं बोलना चाहूंगा ये मीडियम रेंज की फाइट बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्लोज थोड़ा सा जाना पड़ेगा। लोकेशन स्पॉट आउट हो चुकी है, शायद मेरे ख्याल से एक ही ग्रेनेड से हो सकता है हमें दोनों नॉकआउट समय देखने को मिल जाए, कुछ भी गाइस पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। डैमेज अभी भी नहीं मिला ज्यादा, कोशिश कर रहे हैं पर न्यू 16 ऊपर आने की है एंड क्लच गॉड के पास एक बढ़िया मौका, उजी है उनके पास में, उनको पता है उजी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास में नहीं। नियो की तरफ से अगर देखा है थोड़ा सा दूरी से कोशिश कर रहे हैं अपने टीम को सपोर्ट फायर प्रोवाइड करने की, लेकिन स्टिल वो जो पैराडॉक्स से काफी ज्यादा मुश्किलें डाल रहे हैं, उनकी नजर है कि इस पावर को वहां पर वो बचा सके इसी बीच। और आदित्य वहां पर GEPS को करेंगे नॉकआउट, अक्षित वहां पर IT सविटार को करेंगे यहाँ पर नॉकआउट, और यहाँ पर फाइनली मुझे लग रहा है इंडियन टैक्स के थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है क्लच गॉड की तरफ से। गाइस जितना जल्दी थोड़ा सा जाना पड़ेगा क्लोज रेंज उतना बेस्ट रहेगा यहाँ पर। एंड क्या यहाँ पर फिनिश ऑफ करेंगे, मेरे ख्याल से शायद अब फिनिश ऑफ होने की बिल्कुल कगार पे आ चुके हैं क्लच गॉड विद दैट उजी, एंड उजी से बिल्कुल इतना क्लोज रेंज तो गाइस कोई भी नहीं बच सकता है, पैराडॉक्स अब आखिरी खिलाड़ी बचेंगे और मेरे ख्याल से कभी भी यहाँ पर फिनिश ऑफ भी होते नजर आएंगे। तो TSM ने गाइस यहाँ पर अपने जो किल है वो सिक्योर करने में कामयाब, पैराडॉक्स आ तो रन को बचाने, लेकिन अब काफी ज्यादा देरी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। और इसी बीच यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक जो फाइट इनिशिएट हुई थी स्लॉट नंबर 25 की, इनके पास एक बढ़िया मौका है कि BGF को एलिमिनेट यहाँ पर कर सके, देख रहे थे कि एग्जिट कहाँ पर है, और अब थ्रोएबल से यहाँ पर कोशिश करते हुए BTF जॉनी को यहां पर कर दिया गया है फिनिश ऑफ। नियो कोशिश कर रहे हैं अब यहां पर प्रेशर बिल्ड करने की, और शायद ये प्रेशर बिल्ड करना कहीं उनको यहां पर कामयाबी मिल जाएगा। एस पावर वापस कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी टीम के साथ फाइट ले सके, यानी टीम नंबर 25 जो आपकी यहां पर नजर आ रही है टीम FK बोगडो पोपी वहां पर आपको आखिर खिलाड़ी नजर आ रहे, लेकिन इसी बीच यहां पर मैं देख रहा हूं TSM नियो को कर दिया गया है नॉकआउट। होपफुली यहाँ पर क्लच गॉड उनके साथ रहे तो बेस्ट रहेगा, लेकिन जी गॉड अकेले खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पर हमें नॉकआउट देखने को मिलता हुआ, तो शायद जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था वो अब उनके विपरीत जा चुका है। BTF के पास एक बढ़िया मौका कि जो नॉकआउट हो रहे खिलाड़ी उनको यहाँ पर जितना जल्दी उसके रिवाइवल दे सके, एंड जो बाकी टीम्स है जस्ट लाइक बात करें टीम ऑरेंज रॉक वो यहाँ पर टीम अभी के लिए फाइट लेती हुई TSM के अगेंस्ट क्या यहाँ पर उनके ऊपर जाएगा क्लच, क्या पर उम्मीद है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टीम ओवाड़ा आदित्य सामने गाइस TSM सामने उनके टीम BTF, तो हर तरफ से गाइस थोड़ा सा अगर देखा जाए एक फंसा हुआ गेम हमें नजर आ रहा है, क्या हमें फिर से एक अच्छी कंटिनर टीम BTF के खिलाड़ी निकालते हुए नजर आएंगे कि नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अभी के लिए एस पावर यहां पर कोशिश करेंगे कि आदित्य को पहले फिनिश ऑफ करें, उसके बाद क्योंकि आदित्य गाइस दोनों तरफ से फंस रहे हैं, और ये जो किल है गाइस टीम एस पावर अपने नाम लेके जाती है टीम TSM वर्सेस टीम APL, फिर से हमें यहां पर अब देखने को मिलेगा टीम APL #2 तक यहां पर पहुंच चुके, टॉप 2 में अपनी जगह बना चुकी है क्लच गॉड एंड एस पावर। क्लच गॉड की बात करें उनकी लोकेशन अभी तक स्पॉट आउट नहीं हो रखी है, एंड जो यहां से गाइस देखिए क्लच गॉड का अभी के लिए यहां पर डिसीजन यही रहेगा, उनका माइंडसेट यही रहेगा कि खिलाड़ी को नॉकआउट करना पड़ेगा, काफी अच्छा स्प्रे जरूर था, लेकिन अब उनकी भी लोकेशन स्पॉट आउट हो चुका है, थोड़ा संभल के अब यहां पर टीम TSM को यहां पर दिखा के रहना पड़ेगा। इस पावर कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया स्प्रे ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन शायद पहले अगर यहां पर ये हेडशॉट रहता खिलाड़ी वहां पर हो सकता था नॉकआउट। क्लच गॉड देखिए दोनों खिलाड़ी अब अलग अलग हो चुके हैं, यानी एक भी अगर नॉकआउट हुआ तो फिर मुश्किल में TSM यहां पर आती हुई नजर आ सकती है। हमें एक एरियल व्यू गाइस आप देखो दिखाना चाहूंगा 4v2 का सिनेरियो यहाँ पर TSM के गेंस, अगर आप देखेंगे 2v4 यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा TSM के पास एक बढ़िया मौका कि थ्रोएबल से ही फिनिश ऑफ कर सके। एस पावर की लोकेशन यहाँ पर स्पॉट आउट है, मौका बनने का यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूंगा कि अगर वो नॉकआउट निकाल में उनको कामयाबी तभी बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाले। 7 kills ऑलरेडी ये लोग निकाल चुके हैं, एंड जो आज डोमिनेशन अभी आया इस टीम का बहुत ही शानदार गाइस, अब देखा काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन स्टिल जो कंसिस्टेंसी है वो हमें देखने को मिली है। एस पावर वेट कर रहे हैं, स्टोन का यहाँ पर कवर मिलता हुआ M416 के इस कारल गन्स के अगर स्प्रे से अगर दो खिलाड़ी अगर नॉकआउट हो जाएंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, उसको पता था कवर यहाँ पर आने वाला है। क्लच गॉड की तरफ से भी काफी शानदार, लेकिन एक थॉम्सन गन से आई डोंट थिंक यहाँ पर वो निकाल पाएंगे, एंड विनर चिकन डिनर अगेन फिर से यहाँ पर टीम APL के पास जाता हुआ नजर आएगा। We're still